Yo, what's up people, MJ here and welcome back to my channel. तो आज मैं अपना एक्शन कैम माउंट करने वाला हूँ स्टील बर्ड का जो फेस शील्ड है. अगर आपने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, पहले वो जाके देखो फिर वाली देखना. एंड जो एक्शन कैम है वहाँ पे कोई भी एक्शन कैम माउंट कर सकते हो, वैसे कि आप जब जानते जो बाइक राइडर्स होते हैं हेलमेट के ऊपर अपना एक्शन कैम माउंट करते हैं, बट हम टर्बन टाई करते हैं तो हम फेस शील्ड पे करेंगे आज. तो मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या लिया उसके लिए एंड क्या क्या प्रिपरेशन किया, कौन से माउंट्स चाहिए आपको, क्या क्या मतलब चाहिए उसको, बेसिक चीज़ें जो आप माउंट करने के लिए आपको ज़रूरी हैं. मेरे पास माइक तो है नहीं, बिकॉज मेरे को जो माइक का अडेप्टर वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है. और तो क्या ही करते हैं, अब इंडिया में अवेलेबल ही ना ही शिपिंग हो रही है उसकी इंडिया में. मैंने चेक किया था बैंगुड जो साइट है वहाँ पे, तो करंटली दे आर नॉट शिपिंग टू इंडिया. सो भाई साहब क्या ही कर सकते हैं, जो कभी जाएंगे कहीं बाहर तो या फिर किसी से मंगवा लेंगे, देखा जाएगा. तो अभी तो ऐसे हम डायरेक्ट माउंट कर रहे हैं विदाउट माइक. तो मैंने टेस्ट किया है, वैसे पहले भी जो शोल्डर पे माउंट करता था उससे सही आवाज़ आती है, थोड़ा सा विंड का नॉइस होता है, बट कोई नहीं एडजस्ट करेंगे. अभी फेस पे माउंट करके देखते हैं जो फेस शील्ड है कि वहाँ पे विंड नॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड बने रहिए आप वीडियो को एंड तक देखना. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं चैनल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत दिल से थैंक यू. एंड ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाते रहो, जल्दी जल्दी से हम अपना 1000 का सब्सक्राइबर का काउंट कंप्लीट करते हैं. चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, बस थोड़े से सब्सक्राइबर्स रह गए हैं 1000 होने के बाद. सो यस सब्सक्राइब करो एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. गाइस तो हमें पहली चीज चाहिए हमारा ये मास्क, एम सील एंड अटैचमेंट्स एंड थोड़ी सी और अटैचमेंट्स. सो आपको पता ही, मैं जब गया था उस दिन लेने तो ये रेडली आया था, पर एक्चुअल में चाहिए ये थी. सो ध्यान रखना अगर आप लेने जाओगे तो ये फटाफट वाली है एम सील, फटाफट ब्लू कलर में आती है, तो अगर आपको लेनी हो तो ये लेना. तो चलो और एक और चीज़, मेन चीज़ तो रहेगी ये तो उसको लगाते हैं अभी. तो इसका ये इसको खोल लेते हैं. ये भी है, अगर इसकी आप अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं, इसके जो अटैचमेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो अगर देखना चाहते हैं तो वो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा. तो मैं आपको दिखाता हूँ दो टाइप के जो हैं, एक तो ये रहा तो जो ये वाला है ये फ्लैट है, अच्छा देख सकते हैं. और जो ये है मेरे साथ में ये कर्व्ड है, थोड़ा सा कर्व्ड है एंड दिस वन इज़ फ्लैट. तो हमें हम नीचे एम सी लगाएंगे तो हम इसमें फ्लैट वाला यूज़ करेंगे. 3M की टेप मैंने पहले लगा दी थी और साथ में इसकी टेप एक्स्ट्रा भी आती है अगर देखो तो आप. सो साथ में एक्स्ट्रा टेप्स भी आती हैं, अगर बाई चांस आपको जरूरत पड़े तो आप लगा सकते हो. जो दूसरी चीज है वो ये दूसरा वाला आ गया आई थिंक. ओके सो ये रहा, तो जो जे जॉइंट होता है ये फोकस, हाँ जो जे जॉइंट होता है उसको हम ऐसे लगा के इस पर सॉरी यहाँ से लग रही आराम से अटैच हो जाता है, निकालना है तो सेम वैसे ही कहीं से भी आप इसको अटैच करो, ऊपर से नीचे से जैसे मर्जी. तो पहले इसको लगाते हैं इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे करके एंड ये हमारा ऐसे करके अटैच हो जाएगा और ये हमारा ऐसे करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा. ओके अब से भाई सब कुछ हटा देते हैं, आते हैं अपने एम सील के ऊपर. तो ये तो हमें यूज़ नहीं करनी, तो हम इससे काम चलाएंगे. पहले थोड़ा सा सेटिंग्स देख लेते हैं कैसे लगेगा ये.
आई गेस यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ पे तो उसको उठा कर रहेंगे। ओके सो लेट्स, इसमें दो हैं, ये 10 रुपये की आती है बाज़ार में से, एंड ये थोड़ी सी फास्ट वाली है तो हमें थोड़ा सा जल्दी करना होगा। जो भी पहले जल्दी से इसको कर लेते हैं अनरैप, यहाँ पे है। इसमें एक रेजिन होता है एंड एक हार्डनर होता है, इसको जल्दी से हम करते हैं मिक्स बिकॉज देख सकते हैं पूरा ब्लैक हो गया है ऑलमोस्ट ही। ओके इसकी हम पट्टी सी बनाएंगे, एक पट्टी सी मतलब इसको निकाल दिया जाए। तो ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, यहाँ से थोड़ा सा आप इसको प्रेस करते रहें अच्छे से तो इधर आपकी जो ये एम सील है वो अच्छी तरह एकदम गैप में फिल हो जाए। अच्छे से हो गया है,
बार आपने एडजस्ट कर दिया तो उसको सूखने के लिए रख दें। एंड एकदम सही है, सीधा लग रहा है। सही लाइन से मैच कर रही है तो। और हाइट भी दोनों साइड सेम है। इसको सूखने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर तक, 24 आवर्स तक। लगा दिया है इसको हम अभी तक 24 आवर्स तक ऐसे ही रहने देंगे, तो ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए, मतलब स्टिक हो जाए इसके साथ एंड सॉलिड हो जाए। तो फिर देखेंगे इसको पूरा कैमरा माउंट करके इस पर कि कैसा रिजल्ट आता है। सो अभी तो इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, तो फिर इसको आप कल ही मिलते हैं, सीधे मिलते हैं कल आपको फिर। सो एक गाइस अच्छे से एकदम लग चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी सॉलिड हो गया है, एकदम पत्थर जैसा। यस, तो अभी हम यहाँ पर लगाएंगे अपना जे माउंट ऐसा है, तो इससे एंगल सही मिलता है काफ़ी ऊपर को उठा हुआ, तो जैसे हम स्कूल बैग्स की जो लगाते थे वैसे ही है इसका भी। एंड यहाँ पे टाइम आ गया है कैमरा फिट करने का, तो इसको हम पहले यहाँ पे लगाएंगे एंड आफ्टर दैट तो यहाँ पे लग चुका एंड देख सकते हैं तो हैवी कितना है ये कैमरा, तो इसका एंड कुछ ऐसी लुक आ रही है अभी इसकी। थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ बिकॉज जो हम चलाएंगे तो हमारा मुंह थोड़ा नीचे रहता है, तो इसके लिए कैमरा थोड़ा ऊपर रहेगा। सो अब आप देख सकते हैं कि कैसा लुक आ रही है, क्या ही खतरनाक लग रहा है। एंड अब प्रॉपर तरीके से इससे मोटो व्लॉगिंग होगी। मैंने इसमें माइक नहीं लगाया बिकॉज मेरे को जो माइक का अडेप्टर होता है, जो कन्वर्टर होता है बेसिकली, अडेप्टर कन्वर्टर जो भी है, तो वो मेरे को मिला नहीं। वो इंडिया में स्टॉक आउट हो चुका है, उसकी प्राइस है 3000 रुपीज़। साइनोवा का है, वो है अगर आप ऑनलाइन सर्च मारेंगे साइनोवा से, साइनोवा डी जे ऑस्मो एक्शन माइक अडेप्टर या फिर कन्वर्टर, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एंड वो यहाँ पर लगता है जो आप यहाँ पर जगह देख रहे हैं छोटी सी, तो 3000 का वो अभी इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा। एंड यस, तो देखते हैं कोई आएगा बाहर से तो मंगवा लेंगे उससे, या फिर तब तक इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा तो मंगा लेंगे। उसके बाद ही इसमें माइक अटैच हो सकता है, और कोई चांस नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे लगा लिया। तो शायद वॉइस की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको सुनने में, बट कोशिश करेंगे हम, यहाँ से आउटलेट तो है ही, तो शायद क्लियर आ जाए आपको वॉइस थोड़ी सी। यस, तो अब इसको पहन के देखते हैं कैसा लग रहा है ये। Oh,
तो गाइस कैसी लगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो हिट लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं टूर पे, तो वहाँ पे हम आपको बहुत ही बेहतरीन शॉट्स एंड बहुत ही मस्त मस्त एडवेंचर देखने को मिलेगा। सो सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और बताना ही कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार वीडियो को। एंड हाँ, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, मैंने अकेला कैमरे से पकड़ा हुआ है इसको, एकदम ये हार्ड हो गया है तो बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड ऊपर से स्टील बट का जो ये रेनबो कलर मेरे को बहुत ही पसंद आ रहा है, देख सकते हैं कितने मस्त मस्त कलर्स आ रहे हैं इसमें। यस, तो लाइक कर देना, एंड यस यही था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं आपको अपनी ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड भाई को मेल करें।